साल के सबसे बड़े लूजर का अवार्ड जाता है संजय प्रिंस अहलावत को। कितनी कोशिश की ना तुमने मुझे तोड़ने की, हार गए। जितने चाहे उतने अवार्ड्स फेंको क्योंकि तुम सिर्फ इसे तोड़ सकते हो, मगर अपनी डार्लिंग वाइफ के वादे के गुमान, मेरा अपने बाबा को गौरव दिलाने की स्पिरिट को कभी नहीं तोड़ पाओगे। सेलिब्रेट करते हैं, आज तो वैसे भी डबल सेलिब्रेशन है। एक तो तुम्हारी वाइफ स्टेट हरियाणा चैंपियनशिप जीत गई, दूसरी तुमसे शर्त जीत गई, क्योंकि दुर्गा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। आज ना एसपी, तुम्हें थैंक्स कहने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि अगर तुम अपनी घटिया चाल नहीं चलते, मेरे बाबा को मुझसे बात करने के लिए मजबूर नहीं करते ना, तो मुझे राज के बारे में कभी पता नहीं चलता। नहीं तो मैं ये जान पाती कि मेरे माँ बाबा सिर्फ मेरे पालन पोषक नहीं बल्कि इतने महान है। आज मेरे दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है, सो थैंक यू। तो पता है क्या, हमारा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया है, और अब मेरे अंदर ना एक अलग ही जुनून आ गया है। मुझे कोई कितना भी क्यों ना उकसा ले, मैं कोई झूठा कन्फेशन नहीं करूंगी, ना ही तो किसी और को नेशनल चैंपियन बनने दूंगी। Dugga Chaudhary, just wait and watch. Jassi ji nahi aaye aaj. रेस जीती हो, आज एक दिन रेस्ट कर लो। किसी का इंतजार हो रहा है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि मैं अपने ट्रेनर का वेट कर रही थी, और ना इसलिए क्योंकि मेरी गुरु मुझे दिख गई। आज ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि हम तो कहेंगे अब आप ट्रेनिंग लेना छोड़ दीजिए,
क्योंकि आपके पति और हमारे बेटे प्रिंस आपको नेशनल रेस जीते नहीं देंगे। मेरा पति तो एक लूजर है जो अपने माँ बाबा की भेगी हुई बातों में आकर एक गलत लड़ाई लड़ रहा है, पर मेरी लड़ाई तो सच और ईमानदारी की है, जिसे जीतने के लिए मेरे पास मेरे दोनों गुरुओं का आशीर्वाद है, एक जस्सी जी और एक मेरे परम गुरु मेरे बाबा, जिन्होंने मुझे जिंदगी में कभी हार नहीं मानना सिखाया। तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, आपने अपने दर्शन देके बहुत अच्छा किया, बस आपका आशीर्वाद लेकर मैं आज तक पे नहीं कर लूंगी। भिवानी से लेकर बरवारा तोड़ते हुए जाती हूँ, वहां जाके बाबा का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, तो आज का दिन बहुत स्पेशल हो जाएगा। नहीं, थैंक यू मम्मी जी, चलती हूँ। याद है ना एसपी, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। जी हाँ, हमें दुर्गा को हराने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। एसपी याद रखना, हमने बहुत पैसा बहाया है। पैसे और इस पावर का खेल, खाली जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी तू है मन में बसारे, चंदा जैसे बादलों में चमका किया रे, इश्क मेरा कैसे अब रहेगा छुपा तुझसे। ठीक हूँ बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली, भगवान तुझे सदा सलामत रखे, तेरा सुहाग बना रहे। आप ठीक तो है ना? अब हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा ध्यान नहीं था, I'm sorry। सॉरी बोलने से क्या होता है? हाँ गाड़ी चलाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है या नहीं तुम में? I'm sorry। इनको कुछ हो जाता कि जान चली जाती तो? दुर्गा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, भगवान का शुक्र है कि वो ठीक है,
और मैं अपनी गलती मान रहा हूँ दुर्गा। तुम ना दुनिया के सामने नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटती। एसपी मैं बस अब मुझे कोई बात नहीं करनी। एसपी तुम्हारे मेरे बारे में नहीं है, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। गाड़ी की चाबी मिल जाने से जिम्मेदारी नहीं आती, वो अंदर से आती है। सड़क पर बुजुर्ग होते बच्चे छोटा सा बच्चा आपने देखा है कहीं? नहीं। भाई भाई साहब आपने छोटा बच्चा देखा है कहीं? उमंग 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 आपने ब्लू टी शर्ट में एक बच्चे को देखा है? हे भगवान उमंग। दुर्गा दुर्गा बेटा उमंग मिला क्या? पापा पता नहीं। दुर्गा दूसरों को पाठ पढ़ाने से पहले खुद की जिम्मेदारी निभाना सीखो तुम। बेटा बेटा तू घबरा मत, उमंग आसपास ही होगा, मिल जाएगा। अमृता दी नहीं नहीं बेटा उसको कुछ मत बताना, परेशान हो जाएगी। एक काम करते हैं, चल ढूंढ लेते उसको। बेटा तू यहाँ? दुर्गा कोई भी काम बिना परेशानी के नहीं कर सकती है क्या? मेरा बच्चा घुमा दिया, मजाक समझ रखा है? कोई बात नहीं तू चिंता मत कर, मिल जाएगा बेटा, यही हो यही होगा आसपास कहीं। पापा मेरा बच्चा घूम गया है और आपने मुझे एक बार भी फोन करना जरूरी नहीं समझा। वो तो मेरी सहेली ने दुर्गा को उमंग को ढूंढते हुए देख लिया, उसने मुझे फोन किया। तू बता अगर मेरी जगह तेरी औलाद होती तो भी तू इतनी लापरवाही करती क्या? बोलना। कोई बात नहीं, वो कहना कि बच्चा गुम जाने की वजह से थोड़ा घबरा गई है, माँ का दिल है ना थोड़ा कच्चा होता है, सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत।
हेलो जी 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 मैं पहुंच जाऊंगी। क्या बात होगी बेटा? मामा स्पोर्ट्स एसोसिएशन से कॉल था, एक मीटिंग रखी है सारे एथलीट्स के लिए, जाना जरूरी है। प्लीज जी को बताइएगा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं सब संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर, तू जा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।